नमस्कार दोस्तों, फोन प्लस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास है सैमसंग का एक और नया मॉडल, सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस। तो आज हम करने वाले हैं इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे, फुल रिव्यू पूरा मैं इसके बारे में बताऊंगा, क्या इसमें अच्छा है क्या इसमें बुरा है। तो चलिए जल्दी से हम इसका क्विक स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे बॉक्स पे लिखा है, आप देख सकते हैं, इन्फिनिटी डिस्प्ले है, डुअल कैमरा है, ई मोडिफाई है, इसमें कुछ इमोजीज आपको कस्टमाइज करने के लिए मिलेगा चैट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं नया कुछ दिया है, साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये पहली बार J6 में आया है नया सैमसंग में। तो डिस्प्ले आप देख सकते हैं 6 इंच का है, HD प्लस रेजोल्यूशन सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। रियर कैमरा है आपका 13+5 मेगापिक्सल का, फ्रंट कैमरा है आपका 8 मेगापिक्सल का, क्वालकॉम का प्रोसेसर है। यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं 17,000 इसमें MRP है, लेकिन आपको ये 15,990 में मिलेगा। यहाँ पे बॉक्स कंटेंट लिखा है, आप देख सकते हैं, डाटा केबल है, ईयरफोन है, चार्जर जो भी है। तो चलिए हम जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। तो मैंने बॉक्स का रैप निकाल दिया है, अभी हम इसको अनबॉक्स कर रहे हैं। ये है हमारा फ़ोन, अभी हम इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या एसेसरी दिया है इसमें। तो यह है कुछ क्विक स्टार्ट गाइड इसका, जो कि सब में देता है। चार्जर ये है, यह है एडाप्टर इसका नॉर्मल वाला 1 एम्पियर का, सॉरी वन। यह है इसका डेटा केबल और ईयरफोन, बेसिक ईयरफोन है और डेटा केबल भी माइक्रो USB का है छोटा सा। और यह है सिम इजेक्टर पिन। तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं हमारे डिवाइस को, J6 प्लस, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ़ोन का लुक जो है बहुत ही बढ़िया है, चारों तरफ से ग्लॉसी फिनिश दिया गया। पीछे आपको लग रहा है बिल्कुल ग्लास का है, लेकिन ये ग्लास नहीं है, टूटने का टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं भी सोचता पहले ग्लास देगा, लेकिन ग्लास नहीं है, ये ग्लास का फिनिश है। तो काफ़ी अच्छा देखने में लुक लग रहा है, बहुत ही प्रीमियम लुक लग रहा है। जैसे कि आप इस रेंज में देखेंगे J6 और J8 का, तो ऐसा नहीं है, नॉर्मल प्लास्टिक का बॉडी है, लेकिन इसमें ग्लास फिनिश दिया गया है। और देख सकते हैं ये है साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो आपको जो आपका जो पावर बटन है उसमें ही फिंगरप्रिंट स्कैनर को अटैच किया गया है, ये एक अच्छी बात है। आपको अलग से पीछे उंगली करना नहीं पड़ेगा या आगे उंगली करना नहीं पड़ेगा, साइड में ही आपका दे दिया है। ये नीचे आपका चार्जिंग पोर्ट। तो चलिए अब हम इसको ऑन कर लेते हैं, पावर ऑन J6 प्लस। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे LED नोटिफिकेशन भी दिया गया है, इंडिकेटर एक है जो कि J सीरीज में किसी नहीं है, इसमें दिया गया है। ये हमारा फ़ोन हो गया ऑन, देख सकते हैं सुपर एमोलेड डिस्प्ले, तो डिस्प्ले का कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका रेजोल्यूशन HD प्लस। HD प्लस भी बुरा नहीं है, मैं ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकता, लेकिन अच्छा इसका जो क्वालिटी अच्छा आता है HD प्लस होने के बाद भी, कंपेयर करेंगे दूसरे मॉडल के फुल HD के साथ भी, तो इसका आपको कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा फीलिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इसमें, मैं वीडियो का भी टेस्ट करके दिखाऊंगा इसमें आपको। तो चलिए हम देख लेते हैं कैमरा को थोड़ा ऑन करके। ये है आपका रेयर कैमरा जो कि है 13+5 मेगापिक्सल का, देख सकते हैं एपर्चर 1.7 है, तो इसलिए काफ़ी ब्राइट है। इसमें लाइट फोकस आपको दिया है, डुअल कैमरा है, तो आप बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं इसमें। यहाँ ऊपर कुछ मोड्स है, प्रो मोड, BTM मोड, लाइट फोकस, ऑटो मोड, स्टिकर्स हैं, कंटिन्यूस शॉट हैं, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सारे स्टिकर्स, अभी मैं सेटिंग में जाके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आप फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं रियर कैमरा में 13 मेगापिक्सल में। फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल, इसमें भी आप फुल HD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फ्लोटिंग कैमरा आइकन भी मिल जाता है नीचे, देखिए जो कहीं भी आपको कैप्चर बटन को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पे कैप्चर करके आपको दिखाता हूँ सेट करके। ये देखिए फ्लोटिंग कैमरा आइकन जो है स्क्रीन में आ गया, आप जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लगता है वहीं पर रख के आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं।
तो चलिए आप करते हैं हम डिस्प्ले का टेस्ट, एक वीडियो प्ले करते हैं। ये देखिए एक फुल एचडी वीडियो मैंने इसमें प्ले किया है। ये जो वीडियो है ये मैंने यूट्यूब से ही लिया है, ये मिस्ट्री बॉक्स एक चैनल है उनका है, तो सारा क्रेडिट जो है इस वीडियो का जो मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ उनका उनको जाता है। तो फुल एचडी है, काफ़ी कलरफुल, आप देख सकते हैं एचडी प्लस होने के बाद भी फुल एचडी वीडियो इसमें आराम से प्ले हो रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में, बहुत ही कलरफुल सुपर एमोलेड डिस्प्ले की वजह से। इसमें आपको पूरा इन्फिनिटी डिस्प्ले मिल रहा है, तो पूरा स्क्रीन में आप वीडियो को देख सकते हैं, कोई भी वीडियो हो। इस वीडियो का प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाता हूँ चेक करके कि ये पूरा फुल एचडी वीडियो है 60 FPS का, तो मैं जाके दिखाता हूँ सेटिंग में, यहाँ पे चेक करके देखिए डिटेल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये है 1920x1080 पिक्सल का, यहाँ पे ऊपर आपको लिखा है 60 FPS का वीडियो है। तो अभी हम CPU Z में जाते हैं, सॉरी अभी हम साइड फिंगरप्रिंट थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे CPU Z में, ठीक है, और देखेंगे इसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखिए साइड फिंगरप्रिंट मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, उसके बाद चेक करेंगे कैसे काम करता है, ठीक है। ये हो गया 100%। अभी मैं लॉक करके अनलॉक करता हूँ, कितना क्विक काम करता है देखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने फ़ोन को लॉक किया और सिंपल सा आपको टच कर देना है, देखिए अनलॉक हो गया, बहुत ही फास्ट रेस्पॉन्स है इसका। फिर से लॉक करते हैं, देखिए अनलॉक हो गया। अभी बारी है CPU Z की, हम CPU Z डालते हैं और देख लीजिए ये है इसका स्पेसिफिकेशन। ये इस फ़ोन का काफ़ी ये एक बुरी बात है, मुझे जो लगा मुझे बहुत ही झटका लगा ये देख के कि इसमें क्वाड कोर का प्रोसेसर दिया गया है, तो बाकी सब एक सही तरफ है। ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड चीज़ है कि इसमें सैमसंग ने क्वाड कोर प्रोसेसर क्यों दिया, इतना अच्छा फ़ोन है, इतना अच्छा स्पेसिफिकेशन, सब कुछ ठीक है, रैम 4GB 64GB मेमोरी, लेकिन प्रोसेसर क्वाड कोर है, तो ये मुझे गलत लगा। बाकी आपको क्या लगा बताइएगा जरूर कमेंट में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।